हम सबका मन पसंदीदा कार्टून है डोरेमोन। हम सभी ने तो यह कार्टून काफी देखा है। कभी आपने जानने की कोशिश की कि नोबिता की रियल स्टोरी क्या है? अगर नहीं तो आज जान ही लेते हैं। दोस्तों, नोबिता जापान में रहता है और जैसा कि हमने कार्टून में देखा है कि नोबिता एक आलसी और कामचोर लड़का है जो कि अपना काम खुद नहीं करना चाहता है। और रियल लाइफ में भी नोबिता एक आलसी और कामचोर लड़का था जो कि हमेशा रोता रहता था और उसके दोस्त भी उसे हमेशा भी परेशान करते रहते थे और वो हमेशा रोता ही रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन जब नोबिता अपने स्कूल से वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक कैट मिली जो कि नोबिता को काफ़ी पसंद आ गई थी और नोबिता उस कैट को अपने घर पर लेकर आ गया था। लेकिन नोबिता की मॉम ने उस कैट को अपने घर पर रखने के लिए साफ मना कर दिया था, लेकिन फिर नोबिता ने जैसे तैसे रो रो कर अपनी मॉम को मना ही लिया उस कैट को घर पर रखने के लिए। अब काफ़ी टाइम बीत चुका था और नोबिता हमेशा उस कैट के साथ खेलता रहता था। अब नोबिता उस कैट के साथ इतना खेलने लग गया था कि वह अब बाहर भी नहीं जाता था और पढ़ाई भी नहीं करता था, बस सारा टाइम कैट के साथ खेलता रहता था। लेकिन एक दिन नोबिता ने सोचा कि मुझे इस कैट का कुछ नाम रखना चाहिए, तो एक जगह पर लिखा था डोरेमोन। फिर नोबिता ने उस कैट का नाम ही रख दिया डोरेमोन। फिर नोबिता डोरेमोन को अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ले गया, लेकिन जब नोबिता डोरेमोन को लेकर जा रहा था तभी डोरेमोन उसके हाथ से कूदकर डोरेमोन भागने लगा। नोबिता उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा, लेकिन अचानक ही डोरेमोन को एक बड़ी गाड़ी ने टक्कर मार दी और डोरेमोन वहीं मर गया। अब नोबिता बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुका था और नोबिता की मॉम ने कहा कि मैं तुम्हें नई बिल्ली ला के दूंगी, तुम डोरेमोन को भूल जाओ। लेकिन यहाँ नोबिता डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आ रहा था, जिसके कारण नोबिता को एक घातक बीमारी लग गई जिसका नाम था सिंपोजीनिया। दोस्तों, इस बीमारी में नोबिता इमेजिन करने लग गया था कि डोरेमोन अभी भी उसी के साथ रहता है और जियान और सोनिया उसे परेशान कर रहे हैं और डोरेमोन उसे गैजेट दे रहा है। 6 महीने से नोबिता हॉस्पिटल में ही था। 6 महीने के बाद नोबिता के डॉक्टर ने नोबिता को सिंपोजीनिया की बीमारी से ठीक कर दिया था। नोबिता बीमारी से ठीक होने के बाद अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम, डोरेमोन कहाँ है? नोबिता की मॉम कहती है कि कौन डोरेमोन? बिल्ली, वो तो मर चुकी है। नोबिता कहता है कि मॉम, डोरेमोन जो हमारे साथ रहता था, हमारे साथ खाता था, जो मुझे गैजेट देता था, जो आपकी मदद करता था, वो कहाँ है? नोबिता की मॉम कहती है कि वो अब मर चुका है, जिससे सुनने के बाद नोबिता फिर सदमे में आ जाता है और सुसाइड कर लेता है। नोबिता की मॉम और डैड बहुत रोते हैं। फिर नोबिता के मरने के 2 साल बाद यह कहानी फुजिको एफ फुजियो को पता चलती है कि नोबिता नाम का एक लड़का था और उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ था कि उसको सिंपोजीनिया वाली बीमारी हुई थी। फुजिको एफ फुजियो को नोबिता के बारे में सब पता चल गया था और नोबिता के डॉक्टर ने फुजिको एफ फुजियो को सब बताया कि नोबिता कैसे इमेजिन करता था, क्या इमेजिन करता था, डोरेमोन कौन है और डोरेमोन उसे कैसे गैजेट देता था। फिर इस स्टोरी पर फुजिको फिजियो ने एक एनीमे बनाया जिसका नाम था डोरेमोन। फिर तो आप सभी जानते हो कि कैसे डोरेमोन सारे एनीमे पर राज कर रहा है और नंबर 1 एनीमे बन के बैठा है। दोस्तों, यही थी नोबिता की रियल स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक तो कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।